सॉरी बाजी, अब मैं क्या करूं? ओ खोतिया तू फोन रख। ओके बाजी। मेरा सकरम फिर से चोरी हो गया। ए मास्टर, फिर से चोरी हो गया क्या? क्या मतलब है? पहले चोरी नहीं हुआ था, गोली लेकर गया था। कोई तो लेके नहीं गया था आती भाई, इस पोपट वाले उसे दिया था। मेरा खोया हुआ मिल गया था, अब की बार मेरी गलती नहीं है। मेहता साहब, आप जरा पांडे जी को फोन करके बोलिए ना, गोली को मत ढूंढिए। क्या अहो का बोलता है? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि सिर्फ गोली को मत ढूंढिए, सकाराम को भी ढूंढिए। ऐसा हाँ तो तुम मुझे क्यों बोल रहे हो? तुम खुद भी तो पांडे जी को फोन कर सकते हो। क्या है, लेखक है ना, तो आपका थोड़ा सा वजन पड़ेगा। ऐसे तो पोपटलाल पत्रकार है, वो फोन करेगा तो ज्यादा वजन पड़ेगा। नहीं नहीं, वजन पड़ेगा, लेकिन जितना वजन मेरा पड़ेगा ना, उतना भिड़े का भी पड़ेगा शिक्षक होने के नाते। पर वैसे भी ये मैटर भिड़े का है। ओ पोपटलाल, ये मैटर तो तुम्हारा ही है ना भाई, ये जो कुछ हुआ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगर तुम गोली को ये सखाराम नहीं देते तो ये कुछ होता ही नहीं। तो अब तक गोली नाश्ता लेके आ गया होता और सब नाश्ता करके अपने अपने घर भी चले गए होते। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है कि आप सब मेरी वजह से भूखे हैं। ओबर एक काम करो ना, तुम सबके लिए नाश्ता बना दो ना। हाँ अभी बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं कौन बेटा, कोई नाश्ता बनाने की जरूरत नहीं है। क्या आती है तू भी? अब तो हम नाश्ता तभी करेंगे जब गोली मिल जाएगा। और सकारम भी, मैं ही पांडे जी को फोन करके बोलता हूँ ना। क्या कि हम तभी नाश्ता करेंगे जब गोली मिल जाएगा? अरे नहीं, गोली के साथ साथ सकारम को भी ढूंढिए। हमारी दूसरी टीम निकल गई है ना गुलाब कुमार को ढूंढने। हाँ सर, और गुलाब का फोटो सब जगह भेज दिया है। वेरी गुड। मास्टर जी का फोन? सर गुलाब कुमार मिल गया होगा। अच्छा हाँ बोलो मास्टर जी। हाँ पांडे जी, मेरा सकारम खो गया। सकारम खो गया? सकारम तुम्हारा स्कूटर है ना? हाँ हाँ। तुम तो कह रहे थे वो मिल गया है। हाँ अब वो चोरी हो गया है। अरे यार तुम लोग करते क्या हो, कभी बेटा खो देते हो, कभी स्कूटर खो देते हो। मिली हुई चीज को संभाल कर रख नहीं सकते क्या? सॉरी पांडे जी, लेकिन अभी आप सकाराम को भी ढूंढिए ना। सकाराम को ढूंढना है कि गुलाब कुमार को ढूंढना है, इम्पोर्टेंट कौन है? गोरी राम। अभी गोरी राम कौन है? नहीं मतलब गोली और सकाराम, गोली ज्यादा इम्पोर्टेंट है लेकिन सकाराम भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, तो दोनों को ढूंढिए ना प्लीज। हाँ वो मिल जाएंगे तो हम फोन कर देंगे, लेकिन तुम बार बार फोन मत करना मास्टर जी। और हाँ हाँ, जब तक ये दोनों नहीं मिल जाते हैं तुम कुछ और मत खो देना, ठीक है? और वो दोनों मिल जाएं तो कृपा करके हमें फोन कर देना। हाँ 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 हाँ। बाय। पाटिल तुम तो कह रहे थे कि गुलाब कुमार मिल गया होगा, अब तो इन लोगों ने सखाराम को भी खो दिया है, उसे भी ढूंढना पड़ेगा। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना और जल्दी भेजना प्लीज। अरे गोरी भाई तुम यहाँ पे हो? अंदर सब तुम्हारी चिंता में टेंशन में। कोई बात नहीं, जैसे ही मैं गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर पहुंचूंगा ना, सबकी टेंशन दूर कर दूंगा। नमस्ते दर्शकों, और हमसे प्यार करने वाले छोटे छोटे बच्चों, मैं आपका गोली गुलाब कुमार आपको तहे दिल से प्रणाम करता हूं। जब इस शो की शुरुआत हुई, जब आपकी और मेरी पहली मुलाकात हुई, तब मैं बहुत छोटा था। एक काम करते, गुड़गुड़ी करने का
जब तक कोई हंसता नहीं ना तब तक गुदगुरी करते रहो। आपने तब से लेकर आज तक मुझे बहुत प्यार दिया है और जितना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है उतना ही प्यार इस गोकुलधाम परिवार ने मुझे दिया है। यहाँ पर मेरी खूब सारी मेमोरीज बनी, मैंने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया, मेरा बचपन यहाँ पे बीता। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब एक पौधा पेड़ बनता है वैसे ही मैं यहाँ पर बड़ा हुआ। इस पूरे जर्नी के लिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सर्जक श्री आसित कुमार मोदी जी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास रखा, मेरे कैरेक्टर को इतना इंटरेस्टिंग बनाया और मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया। उनके विश्वास के कारण आज ये कुशा गोली बना। आज अपना गोली जिसने अपना पूरा बचपन अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में बिताया है, बहुत मेहनत करके उसने अपना गोली के अंदर एक कैरेक्टर में जगह बनाई। गोली एकदम कंसिस्टेंट रहा पहले दिन से लेके अभी तक। कुश थैंक यू, ऑल द बेस्ट और दिल से शुभकामनाएं, तू आगे बढ़। एक चीज मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ, आई विल मेक ऑल ऑफ यू प्राउड। थैंक यू सो मच। मुझे इस शो में 16 साल कंप्लीट हो गए और इस 16 साल की जो जर्नी थी वो बहुत खूबसूरत थी। वो सिर्फ आपके प्यार के वजह से खूबसूरत रही है। तो आपके प्यार को याद रखते हुए मैं इस शो से विदा ले रहा हूँ। लेकिन हाँ, सिर्फ मैं कुछ शाह विदा ले रहा हूँ, गोली आपका वही रहेगा। वही खुशी, वही हंसी, वही शरारत है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा ये शो ये कभी नहीं बदल सकता। यहाँ पे कलाकार बदल सकता है लेकिन किरदार नहीं। मेरा आपको दिल से आभार, थैंक यू। ये तो मेरे सकरम की आवाज है। गोली सखाराम दोनों आ गए बापू जी। गोली सखाराम बेटा, सखाराम सखाराम कहाँ थे तुम, कहाँ चले गए थे? बेबी तुम ठीक तो हो ना? मम्मा पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वही गोली, इतना टाइम क्यों लग गया? हाँ ये गोया गोली बेटा, ये सखरब का मिरर टूटा हुआ था तो वो ठीक कैसे हो गया? अरे बताता हूँ सब कुछ बताता हूँ। अभी तो फोन किया, ये आश्वासित है क्या चालू जी? पांडे जी देख रहे हो पाटिल, गोकुल धाम वालों की लीला, कम ऑन लेट्स मूव। वाह, चालू पांडे।
पाटिल सर, हम यहाँ गायब सखाराम और गोली की जानकारी लेने आए थे, पर यहाँ क्या देखते हैं, गोली और सखाराम साक्षात मौजूद। झूठी कंप्लेंट लिखवाते हो? फेक कंप्लेंट लिखवाने के केस में सबको लॉकअप में डाल देते हैं। करेक्ट। नहीं नहीं पांडे जी, सकाराम और गोली सच पे खो गए थे। अच्छा हाँ, अभी अभी आया है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका गोली खो जाता है तो आप पुलिस स्टेशन में आते हो और गोली के खो जाने की कंप्लेंट लिखवाते हो, परंतु जब आपका गोली मिल जाता है तो फोन करके कंप्लेंट कैंसिल नहीं करवा सकते थे। और मास्टर जी, आपका सकाराम खो गया था तो आपने कहा कि उसे भी ढूंढ लो, और हमने ढूंढने की कोशिश भी की। जब आपका सकाराम मिल गया है तो फोन करके बता नहीं सकते थे। लेकिन पांडे जी, एक मिनट मास्टर जी, लेट मी कंप्लीट। जब आप ऑनलाइन कैब बुक करते हो और उस कैब में आपको नहीं जाना होता है तो आप क्या करते हो? कैब कैंसिल कर देते हैं। गुड। जब कोई चीज खो जाए तो उसकी कंप्लेंट आप पुलिस स्टेशन में लिखवाते हो, और जब वो चीज मिल जाए तो क्या करना चाहिए? कंप्लेंट वापस लेनी चाहिए। क्या बोला, जरा फिर से बोलना। कंप्लेंट वापस लेनी चाहिए। गुड, ये हुई ना मास्टर जी वाली बात। जब ये सब पता है तो किया क्यों नहीं फोन? लेकिन बरोबर है, सॉरी सॉरी गलती हो गई। सॉरी सॉरी क्या सॉरी क्या सॉरी? आप लोगों का हर बार सॉरी सॉरी होता है, लेकिन इस बार मैं नहीं छोड़ूंगा। गुलाब कुमार, एक बात बताओ, तुम मास्टर जी का स्कूटर सखा रहा। गुलाब कुमार, एक बात बताओ, तुम मास्टर जी का सखाराम स्कूटर बीच रास्ते में छोड़कर कहाँ गायब हो गए थे? चलेगा? चलेगा क्या बोल रहा है? चलेगा चलेगा। नहीं, बीच में नहीं छोड़ा था, साइड में छोड़ा था। कहाँ छोड़ा था ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम गायब कहाँ हुए थे? अरे बताता हूँ सब कुछ बताता हूँ। चलिए चलिए, हम सब क्लब हाउस में चलते हैं। क्यों? अरे यहाँ कभी भी बारिश हो सकती है, इसलिए मैं सारी बातें क्लब हाउस में डिटेल में बताता हूँ। ये सब क्या है? पांडे जी, आज हम पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को रबड़ी, जलेबी और कचौड़ी का नाश्ता करा रहे हैं। हाँ बेटा, बताओ तुम क्या बताना चाहते थे? चालू जी, पांडे जी, मैं क्या कहता हूँ, ये नाश्ता खाते खाते गोली की बातें सुने? नहीं, पहले हम गोली की बात सुनेंगे, उसके बाद तय करेंगे कि हमें कचौरी, जलेबी और रबड़ी को खाना है या फिर सखाराम और गोली को कस्टडी में रखना है। गोली बता, जल्दी बता। हाँ हाँ बताता हूँ, जब मैं सोसाइटी से सखाराम लेकर निकला तब आज सबको बहुत मजा आने वाला है।
आपके पैर से तो खून निकल रहा है। इससे इससे खून रुक जाएगा अंकल। अंकल आपके तो हाथ में भी चोट लगी है। हाँ अंकल एक मिनट। अंकल अंकल आप बैठिए, मैं कुछ करता हूँ। अंकल आप बैठिए। रिक्शा 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 रिक्शा। अंकल आप रुकिए, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। ऑटो 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 रुकिए रुकिए। अरे अंकल इनको हॉस्पिटल लेकर जाना है। अंकल अंकल उठिए, प्लीज हेल्प मी प्लीज। आइए आइए अंकल। भैया एक मिनट रुकिए, मैं आता हूँ। चलिए भैया जल्दी हॉस्पिटल चलिए। भाई इनके हाथ में और पैर में चोट लगी है, प्लीज इनका ड्रेसिंग कर दीजिए। जी अंकल आपका फोन दीजिए, मैं आपके घर पे इन्फॉर्म कर देता हूँ। हितेश मेरे बेटे का नाम है। जी आइए अंकल, आराम से आराम से आराम से। और हाँ ऑटो के कितने पैसे हुए? नहीं नहीं भाई आप सेवा कर रहे हैं, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। नहीं प्लीज अंकल आप ले लीजिए। नहीं नहीं प्लीज आप रहने। अरे प्लीज प्लीज प्लीज। हेलो ऑल ओके डोंट वरी। और बेटा तुम क्या करते हो? सर मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हूँ। अरे वाह तुमने जो किया उसे देख के पता चलता है डिग्री बिल्कुल सही हाथों में जाएगी। वेल डन माय बॉय। थैंक यू सर। प्रिस्क्रिप्शन दे रहा ये दवाइयां इन्हें दे, दर्द में आराम होगा। जी सर। अंकल डोंट वरी मैंने हितेश भाई को कॉल करके बता दिया है, वो बस अभी आते ही होंगे। पापा पापा आपको ज्यादा लगी तो नहीं? बेटा मैं ठीक हूँ लेकिन इनकी वजह से। थैंक यू, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। इसमें थैंक यू क्या, ये तो फर्ज था मेरा। कितना खर्चा हुआ? कुछ नहीं, आप सिर्फ ये दवाई ले लेना। बेटा मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा, खुश रहो हंसते रहो। उसके बाद मैं उस जगह पर गया, सखाराम को लिया, सखाराम का साइड मिरर ठीक करवाया। उसके बाद मैं नाश्ता लेने गया और नाश्ता लेके फिर मैं सोसाइटी में आ गया। वाह वाह बेटा मुझे तुम पे गर्व है। थैंक यू। क्या बेबी आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मम्मा। दर्शकों आज सुबह गोकुल धाम में नाश्ते को लेकर कितनी टेंशन हुई, बात पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं, गोली और सखाराम दोनों आराम से वापस आ गए। बेकार में राई का पहाड़ बना दी, लेकिन अपने गोली को मानना पड़ेगा, उसने एक एक्सीडेंट पीड़ित की मदद करके बहुत अच्छा और जिम्मेदारी का काम किया है, वरना आजकल के टाइम में बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं, है ना? दोस्तों आज मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूँ। बता दूं विशेष बात यह है कि आज से हमारे गोली का बस चेहरा बदला है, उसका किरदार उसकी मस्तियां खाने का शौक सब वैसा का वैसा ही है। हम आशा करते हैं कि आप हमारे नए कलाकार जो अब गोली का किरदार निभाएंगे उस पर प्यार बरसाते रहेंगे, उसकी शरारतें उसके किस्से एंजॉय करेंगे। चलिए मेरा नाश्ता तो आ गया है, मैं जलेबी रबड़ी कचौरी की यात्रा एंजॉय करने वाला हूँ। आशा करता हूँ कि आपके ठाकुर की यात्रा भी मस्त और मजेदार रहे। और हाँ इस महीने की 28 तारीख यानी कि 28 जुलाई 2024 को हमारे शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 16 साल पूरे हो रहे हैं और हर साल की तरह हम इस साल भी हंसो हंसाओ दिवस मनाने वाले हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप भी हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ेंगे और इसे और भी ज्यादा यादगार बनाएंगे। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.